राजधानी भुवनेश्वर सिमबक्स घटना रे अभियुक्त राजु मंडल को रिमांड अणा जाइछि। पांच दिनिया रिमांड आनी कमिश्नरेट पुलिस अभियुक्त राजु मंडल आतंकी लिंक नहीं खोलताड़ कर घटनास्थल साइंटिफिक टीम पहुंची तदंत कर 14 दिनिया रिमांड पाई आवेदन करिथिला पुलिस हेले 5 दिन रिमांड पाई अनुमति मिलिछि। आज सकाळु रिमांड पाई राजु मंडल को अणा जाइछि। अभियुक्त राजु मंडल को धरी कटक रे पहुंचिला भुवनेश्वर स्पेशल स्क्वाड। मधुपाटणा थाना अंतर्गत राजेन्द्र नगर एक भड़ा घर उपरे चालिछि जांच प्रक्रिया। कटक राजेन्द्र नगर रु मिलिला आउ 5टी सिम बॉक्स। 6 मास धरी एही घरे ऑपरेटर हेउथुला बोली जणा पड़िछि। तेबे भुवनेश्वर परे कटक रे एही लिंक रहिछि। एहा आउ केउ केउ राज्य रे लिंक रहिछि ताहार तदंत करिबो पुलिस। जदि दरकार पड़े एनआईए एवं इंटरपोल रो सहाय्य निया जाय पारे। तेबे कटक रे एबे चालिछि जांच प्रक्रिया। एमती एटि जघन्य अपराध एटि आ भितर अछन्ति बोली आमे के जानतलु। तथापि ए जो घर मालिक भी जे अछन्ति सेमाने तो जांच करके रखिया कथा। आम हिंदू बहुल एरिया रे एटि आंकू एमनकु पुरै देबार निहाते नथिला। निश्चय गोटे बड़ पदक्षेप आपण नेइछन्ति। पूर्व समय दशहरा बेले आसतलु चांदा आदाय करिया पई खुशी लगु जे एमते लोक आम इयर थिले आमे जानिकि माने सचेतन नै जाउबु। अभियुक्त राजु मंडल आतंकी लिंक नै खोलताड़ जारी रहिछि। घटनास्थल रे साइंटिफिक टीम ओ पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछंती। आज सकाळु रिमांड पाई राजु मंडल को अणा जाइछि। मधुपाटणा थाना अंतर्गत राजेन्द्र नगर एक भड़ा घरे चालिछि जांच प्रक्रिया। जदि दरकार पड़े एनआईए एवं इंटरपोल रो सहाय्य निया जाय पारे। तेबे देखिबाकु रहिला आउ केऊ केऊ स्थान रे एहारो लिंक रहिछि। कटक रु सुब्रत दास को रिपोर्ट, ओडिशा भास्कर।